हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग डिस्कस कर रहे थे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसमें हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस रिक्वायरमेंट के लिए एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, उन एंटिटीज़ से रिलेटेड हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं तो हम एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए हमने कहा था कि देर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो हम वो डिफरेंट सारी जो टाइप्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, सिंपल है, या इट कुड बी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर एट्रीब्यूट्स के बाद जो एंटिटीज़ है, डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में उनका कुछ रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशंस होती हैं, तो वो रिलेशनशिप्स हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि किस इस एंटिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम फर्दर आगे जाके देखते हैं कि और क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फिगर हमने पहले भी देखी थी। इस फिगर के अंदर जो एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस उस टाइम पे नहीं थी की, वो ये था कि ये जो आपके पास दो एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वर्क्स फॉर का, इसके साथ ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नंबर्स क्या बता रहे हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसमें रेशो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको कहते हैं, और ये पार्टिसिपेशन का कंस्ट्रेंट भी होता है और कार्डिनैलिटी रेशो का कंस्ट्रेंट भी होता है। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट ये बताता है कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी खास ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरी एंटिटी के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना रिक्वायर्ड है, मस्ट है, या इज़ इट ऑप्शनल। उसके अलावा दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो कार्डिनैलिटी रेशो है। ये बताता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर कि जिस जितने ऑब्जेक्ट्स के साथ किसी एक ऑब्जेक्ट ने रिलेट करना है। कार्डिनैलिटी रेशो को हम पहले डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट उसके बाद डिस्कस करेंगे। कार्डिनैलिटी रेशो के अंदर हमारे पास एक जो चीज़ आ जाती है कि इसने हमें ये बताना है कि ऑन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कितने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ने किसी दूसरी एंटिटी के कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना है। तो इसकी एक जो टाइप है वो 1:1 है। 1:1 रिलेशन जो होता है जहाँ पे कार्डिनैलिटी होती है, इसका मतलब होता है कि एक एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट दूसरी एंटिटी के एक ही ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करेगा, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेगा। इसकी एक एग्जांपल जो हमारे पास आ जाती है कि एम्प्लॉई मैनेजेस डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉई के केस में कितने एम्प्लॉई हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉई होगा, एक से ज़्यादा एम्प्लॉई नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो मैनेज करेगा डिपार्टमेंट को, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय मैनेज करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जब हमने डिनोट करना है तो वो हमने यहाँ पे मान लिख देना है। फिर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो उसे मैनेज करेंगे। इससे पहले हम ये कह रहे थे कि एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, तो एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप इस तरीके से पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, तो हमने कहा था कि एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एम्प्लॉई मैनेज करता है एक डिपार्टमेंट को। अब हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर होंगे, कितने मैनेजर होंगे जो एम्प्लॉई होंगे, तो वो भी हमें पता है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक ही बंदा हो सकता है जो मैनेजर हो। तो इसलिए जब हम इसको यू रीड कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर होंगे एम्प्लॉई, तो वो भी उसकी कार्डिनलिटी भी 1 होगी। तो ये वो नंबर है जो हम लोगों ने लास्ट फिगर में देखा था कि दोनों साइड्स पे लिखे होते, उन नंबर्स की सेंस इस तरह बन रही है कि हम इस एंटिटी को पहले पढ़ के इस एंटिटी से इस एंटिटी की तरफ जा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर कितनी इंस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगी और इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे। चूंकि ये दोनों एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप इस तरह है कि यहाँ की एक ही ऑब्जेक्ट दूसरे यहाँ के एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेट होता है एट मोस्ट, तो हम कह रहे हैं कि ये 1:1 रिलेशनशिप है और हमने इसको इस कैटेगरी में प्लेस किया।
फिर आपके पास आ जाते हैं कि इट इज पॉसिबल दैट वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी रिलेटिंग टू अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल हम अगर कह दें कि एक क्लास के अंदर कितने डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें कि क्लास है हमारे पास, लेट्स से क्लास या हम सेक्शन भी कह सकते हैं, और स्टूडेंट की एंटिटी अगर हम एक बना लें तो स्टूडेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एस वन हो सकता है, एस टू हो सकता है, एस थ्री हो सकता है, और ये सब क्लास वन से बिलोंग कर रहे हो. और ये भी हो सकता है कि कुछ और सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो जो कि क्लास सी टू से बिलोंग कर रहा हो. तो इन दिस केस हम कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मैनी हैं, कि एक क्लास के लिए देर कैन बी मैनी स्टूडेंट्स, और जो मैनी स्टूडेंट्स हैं दे कैन बिलोंग टू अ सिंगल क्लास. इसलिए वी कैन रीड इट वाइस वर्सा, कि वन टू मैनी भी कह देते हैं. इफ़ वी स्टार्ट टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि क्लास से स्टूडेंट की तरफ रीड करें तो हम कहते हैं कि वन टू मैनी है, और अगर स्टूडेंट से क्लास के परस्पेक्टिव से रीड करें तो हम कहते हैं ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये हम रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं. एम्प्लॉई के केस में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल पे आते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. अब ये मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं. तो अगर हम एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ रीड करें तो एम्प्लॉयज़ मल्टी एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो ये जो एम्प्लॉई है ये मल्टीपल एम्प्लॉई हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं. ठीक है, और लेकिन मल्टीपल एम्प्लॉई काम कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में, अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉई जो है ये मल्टीपल एम्प्लॉई रिलेट करेंगे एक डिपार्टमेंट से, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट. तो जब हम यहाँ से इसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क फॉर वन डिपार्टमेंट, ये आ गया आपके पास. फिर वन डिपार्टमेंट हैज़ मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर इट, एक एम्प्लॉय में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में भी वर्किंग, तो यहाँ पे आप इसको एन लिख सकते हैं. बाज़ दफ़ा यहाँ पे एन की जगह एम लिखा जाता है, तो नोटेशन है, एन और एम दोनों वेरिएबल ही हैं, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर ये आपके पास आ गया कि वन रेशो एन है, तो इसको आप अगर आप डिपार्टमेंट परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे तो ये डिपार्टमेंट से वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. अगर आप एम्प्लॉई के परस्पेक्टिव से पढ़ें तो ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, इसलिए हमने इसको कलेक्टिवली लिखा है वन टू मैनी और मैनी टू वन, ये वाइस वर्सा एक दूसरे का रिवर्स होता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जो चीज़ रहती है वो ये है कि एक जो एंटिटी है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट दूसरी एंटिटी के मल्टीपल ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे. ये हम मैनी टू मैनी की डिस्कशन कर रहे हैं. मैनी टू मैनी की एग्जांपल हमारे पास बहुत सिंपल है कि हमने कहा था कि जो हमारा स्कीमा था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्ट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो देर कैन बी मल्टीपल एम्प्लॉयज़, प्रोजेक्ट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो देर कैन बी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, लेट्स से इसको हम एम कह देते. और अगर एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एन एम्प्लॉय कैन बी वर्किंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो हम इसको भी मल्टीपल कार्डिनैलिटी असाइन कर देते हैं. तो हम कह देते हैं कि ये इसको एन कह देते हैं लेट्स से, तो ये अब एम रेशो एन बन जाता है. ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से बाइनरी रिलेशनशिप्स को जब देखेंगे तो हमारे पास कार्डिनैलिटीज़ असाइन करने का ये तरीका आ गया कि हमने इस एक स्पेसिफिक एंटिटी को रीड किया, दूसरी एंटिटी की तरफ से डिस्कस करते हुए हम गए और दूसरी एंटिटी के करीब हमने उसकी कार्डिनैलिटी मेंशन कर दी कि दूसरी कितनी एंटिटीज़ के साथ इसने रिलेट करना है. ठीक है, अच्छा
ये हमारे पास हो गई वन टू वन की कार्डिनलिटी भी, वन टू मैनी भी, और मैनी टू मैनी की कार्डिनलिटी भी इंस्टेंट हो गई जाती है जी। यहाँ पे देखिए आपके मैनी टू वन रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किए हुए हमने, इसको रिप्रेजेंट किया विजुअली। एम्प्लॉई वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई है काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, तो आपके पास एम्प्लॉई ई वन डिपार्टमेंट डी वन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई ई टू डिपार्टमेंट डी टू में काम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट डी वन में एम्प्लॉई ई थ्री भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डिफरेंट एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई ई वन, ई थ्री और ई सिक्स, ये सब डिपार्टमेंट डी वन में काम कर रहे हैं। तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया कि यहाँ पे मैनी डिफरेंट इंस्टेंसेस आर रिलेटिंग टू सिंगल इंस्टेंस ऑफ द डिपार्टमेंट एंटिटी। अब अगर इन चीज़ों इसी तरह से अगर आप देखें तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी होता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि आपके पास एम्प्लॉय की बात आती है, एम्प्लॉय डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया है कि एम्प्लॉय जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी मल्टीपल हो जाएगी, मैनी हो जाएगी। फिर मल्टीपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उस पर्सपेक्टिव से भी इसकी कार्डिनलिटी मल्टीपल हो जाएगी।